हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सफ़ा मुकादम है और अभी मैं आप लोगों को मेरे लास्ट लेक्चर इंसर्ट टैब का कंटिन्यूएशन यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आइए हम लोग सब स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपका पेजेस टेबल इलस्ट्रेशन यहाँ तक का सब कुछ कवर किया था। अभी आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिम्बल। आज हम हमारा इंसर्ट टैब पूरा कम्प्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं लिंक्स, लिंक्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई लिंक वगैरह आपके ये डॉक्यूमेंट में आप ऐडअप करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जिसके ऊपर भी आपको ये लिंक देना है, आप वो पर्टिकुलर लाइन या स्टेटमेंट या कोई वर्ड आप सेलेक्ट कर लोगे, हाइपरलिंक पे जाओगे। यहाँ पे आपके आप पीसी के अंदर आपको जो भी लिंक उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर देनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये अटेंडेंस की लिंक उसके ऊपर देनी है, तो ये अटेंडेंस का सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर दूंगी। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी लिंक सेट हो गई। आपको ऊपर दिख रहा रहेगा यहाँ पे फाइल स्लैश डबल सी 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 यूज़र यूज़र, यहाँ पे एक्टेक में आपको यहाँ पे सब दिख रहा होगा, मतलब मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे फाइल के अंदर सी ड्राइव के अंदर यूज़र फोल्डर के अंदर सेव है। अब ये लिंक अगर मुझे ओपन करना है तो ओपन करने के लिए मैं क्या करूँगी, कंट्रोल दबा के रखूँगी और इस वर्ड के ऊपर ये विथ योर करंट डॉक्यूमेंट पे लिंक के ऊपर क्लिक करूँगी और येस करूँगी तो मेरी लिंक जो है वो ओपन हो जाएगी। आपको दिख रहा रहेगा लोड हो रहा है मेरा पेज, मैंने अटेंडेंस का खोला था तो यहाँ पे मेरा ये अटेंडेंस का पेज ओपन हो गया। आप कहीं बाहर ये लिंक अगर आप देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप ये पेज के नीचे अगर आप लिंक देना चाहते हो तो सेम तरीका है करने का। आपको हाइपरलिंक में जाना है, जो भी टाइप का आपको देना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये क्विज का देना है तो क्विज करके मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ तो मेरी ये लिंक यहाँ पे आ गई है। लिंक को खोलने का सेम तरीका है, आपको कंट्रोल दबा के रखना है और ये लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और येस करना है तो आपका जो लिंक था वो ओपन हो जाएगा। क्लोज कर दीजिए इसे। अगर आपको लिंक रिमूव करना है तो आप लिंक के ऊपर रखिए, आप राइट क्लिक कीजिए और रिमूव हाइपरलिंक कीजिए तो आपका लिंक इसके ऊपर से निकल जाएगा। सेम तरीका यहाँ पे भी आपको राइट क्लिक करना है और रिमूव हाइपरलिंक करना है तो इस वर्ड के ऊपर से आपका लिंक रिमूव हो जाएगा। तो अब जब मैं कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करने की कोशिश करती हूँ, ये नहीं होगा क्योंकि मैंने इसके अंदर का लिंक रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या देता है, बुकमार्क। बुकमार्क बेसिकली क्या है, जैसे हम हमारी बुक के अंदर कैसे बुकमार्क किया करके रखते हैं कि हाँ यहाँ तक हमने पढ़ा है, जैसे सेकंड पैराग्राफ तक हमने पढ़ा है, अभी हमको सेकंड पैराग्राफ की फोर्थ लाइन से हमको शुरू करना है। जैसे हम हमारी बुक के अंदर पेन से टिक वगैरह करके रखते हैं तो पीसी में जैसे वर्ड के अंदर अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप क्या करोगे, आप बुकमार्क में जाओगे, बुकमार्क को आपको जो नाम देना है आप वो बुकमार्क को नाम दोगे। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और मैंने बुकमार्क को यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद बुकमार्क आपको जहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको और अच्छे तरीके से बताती हूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ। सपोजिंग मुझे इस पहली लाइन का बुकमार्क चाहिए तो उसको मैं सेलेक्ट कर देती हूँ, बुकमार्क पे क्लिक करूँगी, आपको बुकमार्क जो चाहिए वो आप लिखोगे और आप उसको ऐड कर दोगे। अभी बुकमार्क मैंने लिया, अभी बुकमार्क मुझे कहाँ चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ चाहिए वो बुकमार्क तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और क्रॉस रेफरेंस में जाऊँगी और रेफरेंस टाइप में से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी बुकमार्क। आप देख रहे हो मेरा बुकमार्क यहाँ पे आ गया और मैं इसको इंसर्ट करूँगी तो मेरा बुकमार्क यहाँ पे आ जाएगा। आपको दिख रहा है ये मेरा बुकमार्क है, ऊपर आपको नाम दिख रहा रहेगा सबा, क्योंकि मैंने इस बुकमार्क का नाम रखा है सबा। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपको देखना है कि ये बुकमार्क एक्चुअली मैंने लिया कहाँ से है तो कंट्रोल दबा के आप इसी बुकमार्क के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कर्सर वहां जाएगा जहां से मैंने ये बुकमार्क लिया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया गया है इसके अंदर वो है हेडर। हेडर मतलब आपको आपके टॉपिक में किस टाइप का हेडर देना है, जब हम कोई लेटर वगैरह लिखते हैं या कोई लेटर हेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें किस टाइप का हेडर होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत से टाइप के आपको हेडर दिए गए हैं, बहुत सारे टाइप के, आपको जैसा सूटेबल लगता है आपके डॉक्यूमेंट के लिए आप वैसे सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे आपका हेडर आ जाएगा। मैं यहाँ पे हेडर डाल देती हूँ। मैंने अपना हेडर यहाँ पे डाल दिया, मैं क्लोज कर दूंगी तो मेरा हेडर क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे मेरा हेडर आ जाएगा। अगर आपको आपका हेडर कम्प्लीटली रिमूव करना है तो आप यहाँ पे हेडर में जाइए, आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा रहेगा हेडर, और अगर आपको आपके हेडर में कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे से एडिट कर सकते हो। मुझे रिमूव करना है तो मैं रिमूव पे क्लिक करूंगी तो मेरा हेडर कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। सेम ऑप्शन गोज फॉर फुटर। हेडर जो होता है वो टॉप ऑफ द पेज पे आता है, जो फुटर होता है वो बॉटम ऑफ द पेज पे आता है। तो जिस टाइप का आपको फुटर लेना आपको सेलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे आपका फुटर आ जाएगा। फुटर हम एड्रेस वगैरह बेसिकली लिखने के लिए यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप क्लोज करोगे तो आपका हेडर फुटर जो है वो क्लोज हो जाएगा और इसको भी अगर कम्प्लीटली रिमूव करना है तो सेम तरीका है, आपको फुटर में ही जाके रिमूव फुटर करना है।
अगर आपको आपके पेज के ऊपर पेज ऐड करने हैं, नंबर्स ऐड करने हैं, तो पेज नंबर में जाइए, टॉप ऑफ द पेज करोगे तो आपके जो नंबर्स है वो टॉप में आएंगे, आपको दिख रहा रहेगा यहाँ पे टॉप में नंबर है, उसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अगर आपको बॉटम में चाहिए तो यहाँ पे बॉटम में नंबर आएंगे, दिख रहा होगा आपको ये बॉटम में नंबर आया है। अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस है, पेज मार्जिन में चाहिए तो आपको यहाँ पे मार्जिन में दिख रहा रहेगा आपको यहाँ पे पेज आया है, क्लोज कर दीजिए इसको। और फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करंट पोजीशन, मतलब जो पोजीशन में है वही पोजीशन में आपको चीज, मतलब जहाँ पे मेरा कर्सर था, तो मतलब मेरा कर्सर यहीं पर था, उसने बाजू में ही दे दिया आपको। अगर आपको सारे पेज नंबर रिमूव कर देना है तो आप रिमूव पेज नंबर कर दीजिए, आपके पेज नंबर सब रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, टेक्स्ट बॉक्स मतलब अगर आप जब आपका डॉक्यूमेंट खोलोगे तो वहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, मतलब अगर आपको कुछ लिखना है वो बॉक्स के अंदर, कोई मैसेज वगैरह टाइप करना है, कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू लिख सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के टेक्स्ट बॉक्सेस दिए गए, आप देख रहे होंगे, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ नीचे, आप सबको दिख रहा रहेगा, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे वो टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, आपको इसके अंदर यहाँ पे ले लिया है, फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है, फिर आपको जिस तरह से इसके अंदर एडिट करना है, शेप स्टाइल में जाके आप इसको जैसे एडिट करना चाहते हैं वैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं, कलर वगैरह जैसे आपको चेंज करना है वैसे कलर चेंज कर सकते हो, और इसका साइज बड़ा छोटा जैसा आपको करना है, और इसके अंदर एडिटिंग वगैरह आप जैसा करना चाहते हो वैसा एडिटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये वीडियो के इस पेज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप पेज के ऊपर क्या करना चाहते हो, चाहिए तो रखो नहीं चाहिए तो बस सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए, आपका टेक्स्ट बॉक्स रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है इसके अंदर वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट मतलब क्या होता है कि अगर आपको आपके वर्ड को थोड़ा अच्छा बोल्ड लुक देना है, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देना है, तो आप वर्ड आर्ट में जाओगे, आपको जैसे भी आपको यहाँ पे चाहिए वैसा आप यहाँ पे ले सकते हो, तो यहाँ पे आपका वर्ड के ऊपर वर्ड आर्ट इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया इसके अंदर ड्रॉप कैट, ड्रॉप कैट बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे एक अल्फाबेट रहता है जो पूरी लाइन और पूरे पैराग्राफ को कवर करता है, तो हम ड्रॉप कैट यूज करेंगे, दिख रहा है आपको चेंजेस, एक ऑप्शन होता है ड्रॉप और दूसरा ऑप्शन होता है इन मार्जिन, तो जैसा आपको लेना आप यहाँ से ड्रॉप कैप ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन मतलब फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई लेटर वगैरह टाइप कर रहे हो तो कैसे नीचे सिग्नेचर बॉक्स आता है, अगर आपको वो लेना है तो आप सिग्नेचर लाइन में जाओगे, यहाँ पे ओके करेंगे, जिस किसी का भी साइनर है आपका, तो मैं साइनर का नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, साइनर की पोजीशन क्या है, डॉक्टर है, मैनेजर है, क्या है, मैंने टीचर लिख दिया है, और इसको मैं ओके कर देती हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा साइन बॉक्स यहाँ पे आ गया है। अभी अगर आप ये देख रहे हो तो साइन बॉक्स बेसिकली लेफ्ट में होता है, लेकिन मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है, तो मूव करने के लिए मैं क्या करूँगी, फॉर्मेट में जाऊँगी, पोजिशन में जाऊँगी, विथ टेक्स्ट रैपिंग का फर्स्ट वाला ऑप्शन होगी, फिर आप इसको जहाँ मूव करना चाहते हो वहाँ पे आप आपका साइन बॉक्स मूव कर सकते हो, दिख रहा है मैंने यहाँ पे इसको मूव करके रख दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया गया है इसके अंदर दैट इज डेट एंड टाइम, आप आपके पेज के ऊपर जहाँ पर भी डेट एंड टाइम लेना चाहते हो और जिस हिसाब से जिस फॉर्मेट में आप लेना चाहते हो वो डेट एंड टाइम आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया गया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि साइन बॉक्स के अंदर अगर आपको सिग्नेचर करना है तो आप कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे आप, जैसे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन खुलता है उसके अंदर आपको बिटमैप इमेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको बिटमैप इमेज, ये बिटमैप इमेज सेलेक्ट करना है आपको और ओके करना है, ओके कर दिया आपने, ओके के बाद आपको यहाँ पे जैसे सिग्नेचर करनी है आप वैसे सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हो, और आप इसको क्लोज कर देंगे तो आपका सीधा इफेक्ट आपके पेज के ऊपर आएगा। अभी इसको भी मूव करना है तो सेम तरीका है आपका, फॉर्मेट में जाइए, पोजीशन पे जाइए, विथ टेक्स्ट रैपिंग का फर्स्ट वाला ऑप्शन लीजिए, जैसा भी आपको इसको मूव करना है आपकी साइन को बड़ा छोटा जिस हिसाब से आपको करना है वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो। आप देख रहे होंगे कि मैंने साइन बॉक्स के ऊपर यहाँ पे मेरी सिग्नेचर रख दी है। और सेकेंड लास्ट ऑप्शन जो आपका है इंसर्ट टैब के अंदर दैट इज इक्वेशन, मैथ्स के कैलकुलेशन वगैरह अगर आपको टाइप करना है, कैलकुलेट नहीं होगा सिर्फ टाइप होगा, ये बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जब हम टाइप करते हैं तो इसके लिए ये सब आपको यूज में आएगा। आप देख रहे रहेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको कोई नई चीज इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करके आपको जैसा इक्वेशन प्रिपेयर करना है आप वैसा इक्वेशन यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, आपको जो भी लिखना है इस इक्वेशन के अंदर और जैसा इक्वेशन आप बनाना चाहते हो वैसा इक्वेशन आप
बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हो। दिख रहा होगा आपको मैं चेंजेस कर रही हूँ इसके अंदर। आपको एक क्वेश्चन नीचे तब सिंपल डिलीट कर से लिख करके इसको डिलीट कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है आपका सिंबल। अगर आपको कोई सिंबल वगैरह ऐड करना है, हर चीज़ आपको रेडीमेड नहीं मिलती है तो इसीलिए, और हर चीज़ कीबोर्ड पे सिंबल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो आप सिंबल में जाके यहाँ पे चीज़ें सिंबल के अंदर मिल सकती है आपको सारी चीज़ें। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको ठीक सिंबल लगता है आपके हिसाब से वैसा सिंबल आप प्लेस लेके इसको इंसर्ट कर सकते हो। क्लोज कर दीजिए तो आपको ये सिंबल मिल जाएगा, नहीं चाहिए तो आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। तो आज हमने क्या क्या कवर किया हमारे दूसरे वीडियो में, हमारे कंटिन्यूशन वीडियो में, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। इसी के साथ मैं मेरा इंसर्ट टॉपिक फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे पेज लेआउट। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा इंसर्ट टैब के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।